हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे ये फिश हेड कैबेज करी, यानी छेंचेड़ा। ये कटला फिश है, देखिए इसका हेड है, और ये कैबेज जो पत्ता गोभी आलू, इसी का हम आज रेसिपी बनाएंगे और खाएंगे, और आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसे हम नमक हल्दी डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमक हल्दी हल्दी नमक को अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे और इसे हम लोग करेंगे। सरसों का तेल डालेंगे, तो मसाला बनाएंगे। मसाला के लिए प्याज, लहसुन, अदरक और चिल्ली और ये जीरा है। तेल डालेंगे, पत्ता गोभी और आलू, ये मटर, इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, अब इसे हम निकालेंगे। डालेंगे सरसों का तेल, चीनी डालेंगे, तेज पत्ता, फिर डालेंगे प्याज, और मसाला डालेंगे इसमें
सोलह वाटा और उसमें डाल देंगे, टमाटो भी डाल देंगे, हल्दी का पाउडर, नमक, करी पाउडर, चिल्ली पाउडर भी डालेंगे। इसे हम अच्छे तरह से फ्राई करेंगे, भूनेंगे। खुशबू आ रही है, पीस है तो डालेंगे और उसको सुखाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और फ्राई भी करेंगे। वाह, ये तो रेडी हो चुका है, इसमें चुका है पत्ता गोभी डालेंगे। वाह, क्या खूबसूरत सेंट आ रही है, खुशबू। वाह, अब डालेंगे गरम मसाला, धनिया पत्ता डालेंगे। वाह, क्या ये नहीं दिख रहा है, अब हमारा ये पत्ता गोभी फिशेड रेडी हो चुका है, छिंचड़ा रेडी हो चुका है, अब हम खाना खाएंगे और बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। चलिए, ये तैयार हो गया हमारा फिश हेड कैबेज पूरी, और जिसे छिंचड़ा कहते हैं, और चावल ये दाल, इसे हम खाएंगे। वाह, क्या टेस्टी है, बहुत ये कटला फिश का हेड था, बहुत स्वादिष्ट है। फिर एक बार हम ट्राई करेंगे रोहू फिश करी बनाने की, कैसे लगता है देखेंगे।
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।